तो दोस्तों बिहार बीएड एडमिशन से रिलेटेड एक और वीडियो लेकर आ चुका हूँ। तो ये वीडियो में पूरी तरह से जो रिवाइज शेड्यूल आया है उसको पूरी तरह से बताने आ चुका हूँ कि आपका जो कॉलेज अलॉटेड कब से कब तक किया जाएगा। बाकी दोस्तों जो प्रोसेस है आपको पूरी बातों को डिटेल से बताऊंगा, तो ये वीडियो शुरू से अंत तक देख लीजिएगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो टाइम रहते हुए चलिए शुरू करता हूँ। मैं हूँ आपका हॉस्टल दोस्त अकादराज और स्वागत है आपका अपना चैनल एंड्रॉय पाठशाला में। तो दोस्तों देख सकते हैं ये रहा तो जो रिवाइज शेड्यूल तो ये लाया गया, रिवाइज ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल जो ये लाया गया ये फाइनल है। तो इससे पहले भी पिछला बार जो जारी किया गया, तो अगर आप वो फॉलो कर रहे हैं तो भूल जाओ, आप मिस्टेक कर सकते हैं। अब आपको इसी शेड्यूल को फॉलो करना होगा, इसी के अनुसार सारा प्रोसेस किया जाएगा बिहार बीएड एडमिशन के लिए। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं। उससे पहले तो आपको मेरे स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पर डायरेक्ट आप व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करके बिहार बीएड हो या बिहार डीएड एडमिशन से रिलेटेड सारी बातों को जान सकते हैं। जहाँ पे मैंने गर्ल्स का ग्रुप अलग बनाया, बॉयज का ग्रुप अलग बनाया है, बीएड के लिए अलग ग्रुप है, डीएड के लिए अलग ग्रुप है। और हाँ तो साथ ही बिहार बीएड में तत्काल अभी बीएड का एडमिशन चल रही है, तो उसमें एडमिशन से रिलेटेड जो भी आपको डाउट होती है किस तरह से एडमिशन कराना है, कुछ कॉलेज से मेरा कंसल्ट है तो मैं आपको उस कॉलेज में एडमिशन कराने में हेल्प भी कर सकता हूँ। तो इसी नंबर से आप मुझे व्हाट्सएप थ्रू मैसेज करके आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों आगे। इससे पहले अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक मार देना, अपने दूसरे व्हाट्सएप फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर देना। तो दोस्तों सबसे पहले देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर है जो आपका पहला था, डेट ऑफ चॉइस फिलिंग एंड क्वालिफाई कैंडिडेट्स एंड पेमेंट ऑफ काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी। देख सकते हैं मतलब कहने का है कि सिंपल सा काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी 7 से 21 तारीख तक आप सभी लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते थे, जो कल तक था, यानी कि अब रजिस्ट्रेशन आप नहीं कर सकते हैं। ये दूसरा मौका था, अब मुझको लगता नहीं कि रजिस्ट्रेशन करने का आपको टाइम दिया जाएगा। दूसरी बात दोस्तों डेट है, नेक्स्ट है डेट ऑफ रिसेट ऑफ द कॉलेज चॉइस। अब कॉलेज चॉइस आपने जो चूज किया था उसको रिसेट कर सकते थे, फिर से उसको उलट फेर कर सकते थे, चेंज कर सकते थे। वहां पर आपको टाइम दिया गया था 2 दिन, 20 तारीख और 21 तारीख, वो भी खत्म हो चुकी है। और दोस्तों बताता हूँ कि जितना आपने कॉलेज चूज किया उसी कॉलेज के अंदर ही आपका सेकंड काउंसलिंग थर्ड काउंसलिंग का जो प्रोसेस होगा होगा। ऐसे कोई अभी साइड से तो नहीं लाया गया नोटिस, लेकिन तब लाया गया था कि जो आप कॉलेज चूज किए हैं अब उसी कॉलेज को लॉक करके उसी के अंदर ही आपका सेकंड काउंसलिंग थर्ड काउंसलिंग होगा। लेकिन मुझे लगता नहीं ऐसा है, अगर सेकंड काउंसलिंग होगा तो उसके बाद कुछ और भी अपडेट लगता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे डेली हर ना हर दिन कुछ ना कुछ नया नया अपडेट आते रहती है। ठीक है, अब आते हैं आगे। तो देख सकते हैं नेक्स्ट है जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बार बार लोग पूछ रहे हैं कि सर हमारा जो फॉर्म रजिस्ट्रेशन फिले हुआ है उसमें जो कॉलेज चूज किए हैं उसका रिजल्ट कब आएगी। तो कॉलेज अलॉटेड का जो रिजल्ट है आपका 28 तारीख को लाया गया, यानी कि 1 सप्ताह के बाद लाया जाएगा, 28 तारीख को आपका रिजल्ट लाया जाएगा। तो दोस्तों मैं फिर से बताता हूँ कि आपका कॉलेज चॉइस का रिजल्ट 28 तारीख को लाया जाएगा। तो दोस्तों आप मेरे चैनल से बने रहिएगा, जैसे ही लाया जाएगा ऑफिशियल मैं बताने आ जाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से अपना कॉलेज चॉइस जो है रिजल्ट जो अलॉटेड हुआ वो देखिएगा, ताकि आपको अनुभव मिले कि हाँ मुझे ये कॉलेज मिल चुकी है, उसके बाद क्या क्या करना है, ये सारी बातों को मैं आपको अपने चैनल के थ्रू अपडेट करता रहूंगा। तो प्लीज मेरे चैनल से बने रहिए। उसके बाद तो नेक्स्ट है जो आप देख सकते हैं डेट ऑफ पार्ट फी ऑनलाइन पेमेंट। ठीक है, फी ऑनलाइन पेमेंट ये क्या है, आप देख लो यहाँ भी ऑनलाइन फी पेमेंट लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन फी। दोस्तों ये था रजिस्ट्रेशन फी जो पेमेंट करना था, ये है आपको ऑनलाइन फी पेमेंट जो आपको करना है, कितना 3000, 3000 करना है। ये सभी कैटेगरी के, चाहे तो आप जनरल में आते हैं, चाहे तो आप एस सी एस टी ओबीसी किसी कैटेगरी में आओ, आपको 3000 ये पेमेंट करना है। ये पेमेंट करने के लिए आपको कब से कब तक करना है जाते हैं फिर से, आपको 28 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच आपको ये पेमेंट करना है। और तो ये पेमेंट है जो आपको फी होता है, बहुत सारे लोग हैं क्या वो फी नहीं मानते, ये फी होता है। आपको जो कॉलेज मिलता है ना आप उस कॉलेज से इस फी को डिडक्ट करवा सकते हैं, लेकिन कॉलेज वाला फी को डिडक्ट नहीं करता, वो अपना मनमानी करता है। लेकिन आपका हक होता है कि आप इस जो 3000 का फी देते हैं ये 3000 आपको फी में इंक्लूडिंग होता है, यानी कि आप जो फी है फर्स्ट ईयर का 75,000, तो आप 75,000 में से ये 3000 को घटा के उनको कॉलेज को पेड कर सकते हैं। ऐसे ये कॉलेज का जो फी है जाती है यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी वाले क्या करते हैं कॉलेज को फी पेमेंट कर देते हैं, लेकिन आप लोग उनको डिडक्ट नहीं करते हैं, तो वो फी आपसे भी ले लेती है और कॉलेज वाले यूनिवर्सिटी से भी ले लेती है। तो आपका हक है कि आप जो पेमेंट करते हैं 3000 रुपया ये आप डिडक्ट करवा सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्प्ले ऑफ फाइनल अलॉटमेंट लिस्ट। और डिस्प्ले मतलब कि यूनिवर्सिटी और जो कॉलेज का फाइनल होगा, जब आप पेमेंट कर लीजिएगा उसके बाद एक और अलॉटमेंट लिस्ट जारी किया जाएगा, वो होगा फाइनल। उसी के आधार पर आपका फाइनल सेलेक्ट हो जाएगा कि हाँ आपने ये कॉलेज चूज किया है, क्योंकि अगर आपको जो कॉलेज अलॉटेड होगा उस कॉलेज अलॉटेड होने के बाद भी आपको एक प्रोसेस आएगा कि आप उस कॉलेज को चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं या बदल सकते हैं। जो भी है आप बदलने के बाद एक जो फाइनल आएगा कॉलेज अलॉटेड का वो है ये जो आपको आएगा 6 तारीख को, 6 तारीख को आएगा जो फाइनल आपका आएगा 6/11 को,
6 नवंबर को आएगा, ठीक है। तो उसके बाद आप किसी बात कोई कॉलेज चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसको आते हैं नेक्स्ट है, जो आप देखते हैं कि फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि आपका काउंसलिंग का प्रोसेस पूरा आपका यूनिवर्सिटी में किया जाएगा। मान लेते हैं कि आपका जो कॉलेज है वो कॉलेज जिस यूनिवर्सिटी से है, आपको उस यूनिवर्सिटी में जाना होगा, ठीक है। तो टोटल जैसे देखिए पटना यूनिवर्सिटी, पाटिल यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी हो गया, आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी हो गया, मौलाना यूनिवर्सिटी हो गया, बहुत सारे हैं, बिहार यूनिवर्सिटी हो गया, इन सभी यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेज है, अगर उस कॉलेज में आपको अलॉटमेंट होती है तो आपको कॉलेज में नहीं बल्कि आपको यूनिवर्सिटी में जाकर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना होगा। तो वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई आपको देख सकते हैं यहाँ पर दो डेट दिया हुआ, पहला डेट दिया हुआ 9 से 12 नवंबर के बीच, दूसरा है 23 से 25 नवंबर के बीच। दोस्तों मैं यहाँ समझा देता हूँ क्या, यहाँ पे पार्टिकुलर आपका डेट किस डेट जो दिया हुआ है, इस डेट में आपका रोल नंबर जो है ना, रोल नंबर वाइज मेरे ख्याल से हो सके तो आपको कॉल किया जाएगा। मतलब कहने का है कि इसका एक अलग से अपडेट किया जाएगा जहां पे पता जाएगा कि इतने से इतने रोल नंबर वाले इस दिन से इस दिन के बीच जाके अपना काउंसलिंग वहां पे करवाएं अपना यूनिवर्सिटी में, फिर इतना से इतना रोल नंबर वाले इस दिन जाके अपना काउंसलिंग कराएं यूनिवर्सिटी में, इस तरह से हो सके तो अपडेट किया जाएगा। क्योंकि एक साथ इतना स्टूडेंट को तो नहीं भेजेगा यूनिवर्सिटी, वहां पे यूनिवर्सिटी में भीड़ हो जाएगी, या हो सके तो प्रोसेस में गड़बड़ी हो सकती है। इसलिए आप लोग को पार्टिकुलर एक रोल नंबर का चूज किया जाएगा कि इतना से इतना रोल नंबर वाले को इस दिन जाना है आपको काउंसलिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद तो आते हैं नेक्स्ट है, जो दोस्तों लास्ट है, जो ये रहा प्रोसेस का सबसे लास्ट जो फाइनल है, डिस्प्ले ऑफ द लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट एडमिटेड इन द कॉलेज। उसके बाद कॉलेज में जो एक लिस्ट आपको टंग जाएगा वहां पे साथ लिख दिया जाएगा कि मेरे कॉलेज में कौन सा स्टूडेंट का फाइनल एडमिशन हो चुकी है, वहां पे लिस्ट बन के सामने टंग देगा। मतलब कहने का है कि वो अपना कॉलेज लिस्ट इशू कर देगा कि मेरे कॉलेज में इतना इतना कैंडिडेट का एडमिशन हो चुका है, बाकी सीट बच गया है, उस पर फिर से काउंसलिंग वाले फिर से ललित नारायण उस पर नया शेड्यूल आएगा, सभी का कॉलेज का एक शेड्यूल जारी किया जाएगा कि मेरे कॉलेज में इतना सीट बचा है, मेरे कॉलेज में इतना सीट बचा है, सभी कॉलेज का सीट के अनुसार फिर से काउंसलिंग का प्रोसेस लाया जाएगा। उसका तो जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल फॉर द वैकेंट सीट, अगर सीट बच जाती है उसके बाद दोस्तों ये रहा प्रोसेस जो मैं आने वाले दिनों में बता दूंगा। अभी तत्काल दोस्तों ये इस पे आप होल्ड कीजिए, ठीक है, ये अभी थोड़ा दूर रखिए, इस पे होल्ड रखिए। जैसे ही काउंसलिंग अगर सीट बच जाती है तो इसके बारे में भी बताऊंगा, सारा प्रोसेस सेम ही है, बस आपका डेट का अंतर है। तो दोस्तों देख सकते थे ये थे फाइनल जो नया अपडेट जो आपको मैं बता चुका हूँ पूरी तरह से। किसी प्रकार के डाउट आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं, वहां से भी मैं आपको रिप्लाई दे सकता हूँ। और हाँ दोस्तों, कॉलेज मिलने के बाद भी अगर आप चाहते हैं कि ये कॉलेज मुझे दूर पड़ रहा है या कॉलेज ठीक नहीं है, ठीक है, तो आप कॉलेज को चेंज कर सकते हैं, तो प्लीज मुझसे कंसल्ट कीजिएगा। पटना, हाजीपुर, वैशाली में अगर आप कॉलेज लेना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ कॉन्टेक्ट है कुछ कॉलेज से, तो मैं आपको वहाँ पे हेल्प कर सकता हूँ एडमिशन दिलाने में, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो ये समझ होती है, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक मारो, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक में शेयर करो ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिले। वीडियो देखने धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।